वेलकम टू आर्टिफ सॉल्यूशन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने लेयर की ओपेसिटी और कुछ ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में बात की थी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह लेयर्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्वर की इमेज है, ये मुझे इसकी एक कॉपी बनानी है। तो लेयर की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए आप लेयर के ऊपर ऐड क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं डुप्लीकेट लेयर, और आप इसको कोई भी लेयर को नाम देके ओके को प्रेस करेंगे तो उस लेयर की आपके पास एक कॉपी आ जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पास इसकी एक कॉपी आ चुकी है। इसको मैं डिलीट करता हूँ कॉपी को। या फिर इसकी एक कीबोर्ड शॉर्टकट होती है, अगर आप कोई भी लेयर किसी भी लेयर को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल जे। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आपके पास वो जो लेयर है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। एक और तरीका है कि अगर आप कोई भी लेयर डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप जस्ट मूव टूल लें और कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करके रखें और उस लेयर जो भी लेयर आपका सिलेक्टेड है उस लेयर के ऊपर आप जस्ट माउस को देखें। जैसे मैं अल्ट को प्रेस कर रहा हूं तो ये जो एरो है वो डबल एरो में कन्वर्ट हो रहा है, और जैसे इसको आपने ड्रैग करना है और आप देखेंगे कि आपके पास लेयर की कॉपी हो जाएगी। अब क्या होगा अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा लेयर डुप्लीकेट नहीं करना, मुझे जस्ट उसका एक थोड़ा सा पोर्शन जो है वो उसकी कॉपी बनानी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि उस थोड़े से पोर्शन को आप पहले क्या करेंगे, उसकी सिलेक्शन लेंगे। इसकी फीडर में ज़ीरो कर देता हूँ। और सिलेक्शन लेने के बाद अगर आप इस कमांड को यूज़ करते हैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर, तो ये पूरे लेयर की डुप्लीकेट बनाते हैं। तो आप इस कमांड के बजाय आप यहाँ पे यू यूज़ कर सकते हैं कि आप लेयर में जाएं, न्यू में जाओ, उसको करें लेयर विया कॉपी, जिसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जे। अगर आपने सिलेक्शन नहीं ली, कंट्रोल जे प्रेस करने से आपके पास पूरा लेयर डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर आपने सिलेक्शन ली है तो कंट्रोल जे प्रेस करने से जस्ट वो जो सिलेक्शन वाला पोर्शन होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जस्ट वो डुप्लीकेट होगा लेयर का। ओके, अब इसी टेक्निक को यूज़ करके मैं यहाँ पे एक बॉर्डर बनाना चाहता हूँ, जो कि आपने आर्ट वर्क में देखा होगा। ये मैं ऐसा एक बॉर्डर का लुक देना चाहता हूँ उस आर्ट वर्क को। तो आर्ट वर्क बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आर्ट वो जो फ्रेम है या बॉर्डर है वो मुझे इस पेपर बैक वाले जो लेयर है इसमें बनाना है। तो उसके लिए मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, पूरे लेयर को। तो उसके भी काफ़ी तरीके हैं। एक तो आप ये कर सकते हो कि जो भी आपको लेयर पूरा कंप्लीट सिलेक्ट करना है उसको आप क्लिक करो, सिलेक्ट में जाओ और यहाँ से करो लोड सिलेक्शन, और जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसी के साथ आप जाएंगे, आप इसको ओके को प्रेस करें तो आप देखेंगे कि जो पूरा लेयर है वो सिलेक्ट हो चुका है। इसको मैं डीसीलेक्ट करता हूँ। इससे एक ईजिएस्ट वे है लेयर को अगर आपने सिलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करें। देखें जब भी एक किसी भी लेयर के ऊपर आप जाते हो उसके थंबनेल के ऊपर, तो आपके पास एक हैंड का आइकन बना हुआ है। अगर आप कंट्रोल को प्रेस करके लेयर के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे छोटा सा एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का वहाँ पर आइकन आ रहा है। अब यहाँ पर जब भी इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जो लेयर है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस सिलेक्शन को मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, थोड़ा सा कम करना है, तो उसके लिए आप सिलेक्ट में जाएंगे और मॉडिफाई करेंगे सिलेक्शन को। उसको मैं करूँगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मैं सिलेक्शन को कम करना चाहता हूँ। अब ये चीज़ें मैं आपको सिलेक्शन वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में बताऊँगा, लेकिन अभी क्योंकि मुझे वो फ्रेम बनाना है तो मुझे ये ऑप्शन यूज़ करना पड़ रहा है। सिलेक्ट में जाएँ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि ये अभी पूरा सिलेक्टेड है, मैं सिलेक्शन को कम करना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें थोड़ी सी मैं बड़ी वैल्यू दे देता हूँ, लाइक 200 पिक्सल। ओके, तो आप देखें कि जो मेरी सिलेक्शन थी वो काफ़ी इसके अंदर आ चुकी, मतलब ये कम हो गई सिलेक्शन, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। राइट, अब मुझे जो सिलेक्शन चाहिए थी ना वो एक्चुअली मुझे ये आउट मतलब बाहर वाली जो ये बॉर्डर बनी है ना अभी, ये वाली इसकी इमेज सिलेक्शन चाहिए मुझे। ये मुझे इंटरनल इसका जो एरिया भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेम इसका बनेगा, ये वाला जो आउटसाइड एरिया है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस सिलेक्शन को मुझे करना पड़ेगा इनवर्स, यानी उल्टा कर दूंगा मैं सिलेक्शन को। अभी देखें, जस्ट अगर मैं डिलीट की प्रेस करके आपको दिखाऊं, तो ये जो पिक्चर थी, इसका सेंट जो वाला पार्ट था, वो सारा का सारा डिलीट हो गया क्योंकि वो सिलेक्टेड था। अगर मैं सिलेक्शन को इन्वर्स करूँ, जो कि आप कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ कर सकते हैं, या फिर आप सिलेक्ट में जाके यहाँ से करेंगे इन्वर्स, तो अब आपकी जो सिलेक्शन है वो इन्वर्स हो चुकी है। मतलब अब सिलेक्शन में ये अंदर वाला पोर्शन नहीं है, अब ये जो फ्रेम था ना, फ्रेम वाला एरिया, ये बॉर्डर आउटसाइड वाला, ये अगर आप इसको डिलीट करके देखें तो देखें वो डिलीट हो रहा है। तो एक्चुअली मुझे डिलीट नहीं करना, मुझे इसकी कॉपी बनानी है। तो सिलेक्शन मैंने ले ली, अब मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो मेरे पास इसकी इस एक फ्रेम की यहाँ पे कॉपी आ जाएगी, फ्रेम बन जाएगा ये। और इसको डबल क्लिक करके मैं नाम भी दे देता हूँ फ्रेम का। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको कॉपी भी करें, साथ ही आप इसको नाम भी दे दें, तो अगर आप कंट्रोल अल्ट जे करेंगे तो आपके पास ये जब कॉपी बनेगी तो उसका नाम भी आपसे ये पूछेगा यहाँ पे। तो मैं यहीं पे नाम दे देता हूँ फ्रेम, और ओके को प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेम बन गया। अभी आपको विजिबल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये इस कलर के साथ मैच कर रहा है। अभी थोड़ी देर में इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉप शेडो वगैरह दूंगा तो आपको ये क्लियरली नज़र भी आएगा। सबसे पहले मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि आप इसके क्लिक करके इसको ड्रैग करके, और जब ये आप देख सकते हैं कि बॉर्डर सी बन रही है, जब ये बॉर्डर बनेगी, अब यहाँ पे इसको जैसे ही रिलीज़ करेंगे माउस को, तो आपका जो लेयर है वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल करने के लिए फ्रेम को, मुझे इसमें कुछ लेयर स्टाइल देने होंगे। अब लेयर स्टाइल्स के बारे में भी हम आगे आने वाले लेसन्स में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट सिंपली यहाँ से लेयर स्टाइल्स यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं इस लेयर को क्लिक करूँगा जिसको मुझे लेयर स्टाइल देने हैं, और यहाँ पे बॉटम में लेयर पैनल के बिल्कुल एंड में आपके पास यहाँ पे एक लिखा हुआ है एफएक्स का आइकन, इसमें मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा ड्रॉप शेडो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, अच्छा, ड्रॉप शेडो की मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ये थोड़ा विजिबल आ रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। एफएक्स ड्रॉप शेडो, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा शेडो बना है उस फ्रेम का, लेकिन मैं इसको चेंज कर सकता हूँ इसकी वैल्यूज़ को। सबसे पहले इसकी जो ओपेसिटी है वो 100% कर देता हूँ मैं, और उसका जो डिस्टेंस है वो भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, अराउंड 25 आई गेस सही रहेगा। और इसकी जो साइज़ है वो भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, स्प्रेड को ख़त्म। उसके अलावा इसको मैं थोड़ा सा बेवल एंड एम्बोस दे देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इस पर ये फ्रेम क्लियरली अब हमें नज़र आ रहा है। फिलहाल मैं कोई भी इसमें रेंडम सेटिंग जो है वो दे देता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।